हेलो गाइस, ये आइकॉन का टीवी है। इसमें प्रॉब्लम है, मिसफोकस आ रहा है, रिट्रेस हो रहा है। इसको अंदर खोलने के बाद सर्किट में क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये स्क्रीन और ग्रिड के पास प्रॉब्लम है। उसके बाद भी इसको खोलने से अंदर ही सर्किट में क्या हुआ है कोई मालूम पड़ जाएगा। तो अभी हम इसको अंदर खोलेंगे और काम शुरू कर देंगे। गाइज, अभी ये टीवी में जो रिट्रेस लाइन आ रहा था, इसके लिए ये ESD में ये जो दो पॉइंट है, पहला है फोकस और नीचे वाला है स्क्रीन। तो ये स्क्रीन को अभी हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे घुमाइए, ऐसे एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसे करने से ये रिट्रेस लाइन ठीक होगा। तो ये क्यों रिट्रेस लाइन आया, स्क्रीन क्यों बढ़ा, इसलिए हमको सर्किट में इसके बाद वोल्टेज ट्रेसिंग करना होगा। तो अभी ये स्क्रीन रिट्रेस तो क्लियर हो गया, तो क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, तो हम अभी चेक करेंगे। गाइस, इसमें स्क्रीन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर फोकस कुछ काम नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन फोकस के लिए हम देखेंगे वो जो CRT बेस के पास अभी स्क्रीन फोकस पॉइंट एडजस्टिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है प्रॉब्लम। गाइज, अभी ये टीवी का बूस्टिंग वोल्टेज यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर 191 वोल्ट है, मीटर में शो कर रहा है। तो ये पोर्टेबल का क्वालिटी भी है, लेकिन यहाँ पर 191 से कम बूस्टिंग वोल्टेज रहने से अच्छा होगा पिक्चर ट्यूब के लिए। गाइस, अभी हम इसको देखेंगे इसका इनपुट वोल्टेज कितना है। इनपुट वोल्टेज आप देखिए 123 वोल्ट इनपुट जा रहा है, तो ये ESD के पास जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है इनपुट वोल्टेज, मीटर में भी शो कर रहा है। आप देखिए 122 वोल्ट 3 वोल्ट पास आ रहा है। तो इसका आउटपुट बूस्टिंग वोल्टेज में आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, तो 187 वोल्टेज अभी है, 180 वोल्टेज होने से अच्छा है। ये पोर्टेबल टीवी है ना, पिक्चर टीवी, इसलिए 180 वोल्टेज होने से अच्छा है। एडजस्टिंग के बाद अभी मैं देख रहा हूँ पावर सप्लाई आउटपुट वोल्टेज 116.5 वोल्ट अभी है। तो इसके बाद में ESD का जो आउटपुट बूस्टिंग वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज है अभी 179.8 वोल्ट अभी है, करीब 180 वोल्ट है, तो ये ओके है, चलेगा, तो सही है पिक्चर ट्यूब, क्योंकि ये पोर्टेबल का पिक्चर ट्यूब है, तो इसके लिए 180 वोल्टेज ठीक है। गाइस, ये अभी ब्लू स्क्रीन आ रहा है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और राइट साइड में बेल आइकन को भी दबाइए।